क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि अगर एक मास की वजह से हमें कहीं पे पोटेंशियल पता है माइनस जी एम वन बाई आर, यानी ये इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक एजेंट का किया हुआ वर्कडन है, अगर ये मास अकेला होता, अगर एम टू भी होता तो अगेन उसके अगेंस्ट भी कितना वर्कडन करना पड़ता, दैट विल बी माइनस जी एम टू बाई आर टू। और ऐसे एम थ्री होता, एम फोर होता, सबकी वजह से अगर हमें पोटेंशियल अलग अलग पता है तो टोटल पोटेंशियल इंडिविजुअल का सम होगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अलग अलग मास के इफेक्ट में पोटेंशियल ला के सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। तो ये तरीका तो हो जाएगा डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए। अगर मास कंटिन्यूअस है तो फिर हम पहले एक डीएम के लिए किसी जगह पे पोटेंशियल डीबी सोचेंगे, और एक बार डीबी आ गया तो ऐसे ऐसे पोटेंशियल हम सिंपली इंटीग्रेट करके ले आएंगे। बहुत तरह के शेप की वजह से पोटेंशियल आने वाले हैं यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक एम मास का एल लेंथ का रॉड है, और इस रॉड से डी डिस्टेंस दूर किसी पी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल की बात करना है, तो हमेशा की तरह ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए कोई स्टैंडर्ड एग्जांपल ग्रेविटेशन में नहीं है, कंटिन्यूअस मास सिस्टम के कुछ अरेंजमेंट है जिनके लिए हमें पोटेंशियल की बात करना है। तो एक एक करके हम लोग कंटिन्यूअस मास सिस्टम की वजह से पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। एक रॉड की वजह से एल लेंथ का रॉड है, डी डिस्टेंस दूर हमें किसी पोटेंशियल किसी पी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करना है, तो हमेशा की तरह एक्स डिस्टेंस के छोटे से चेंज डी एक्स में हमने एक मास डीएम कंसीडर किया है, और इस डीएम की वजह से पी पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल होगा माइनस जी डीएम बाई एक्स। मैंने यहां से एक्स डिस्टेंस लिया है, हमेशा ऐसा वेरिएबल चूज करना है जिसके एक्सटेंशन में मैं डिफरेंशियल एलिमेंट कंटेन कर सकूं, और पूरा बी लाने के लिए हमें इसी डीवी को इंटीग्रेट करना है। जी बाहर आ जाएगा, बात आती है डीएम की जगह हम क्या लिख सकते हैं। रॉड एक लाइन ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा हम लोग डिफाइन करते हैं, लैम्डा पर यूनिट लेंथ का मास है, तो डीएक्स लेंथ का मास लैम्डा डीएक्स होगा। रही बात लैम्डा की, तो लैम्डा हम अलग से समझ लेते हैं, पूरी रॉड का मास एम है, लेंथ एल है, तो लैम्डा अलग से एम बाई एल लिखा जा सकता है, डीएम की जगह लैम्डा डीएक्स आ गया है। यूनिफॉर्म रॉड है, लिमिट एक्स में डी से डी प्लस एल तक। हालांकि अगर कोई कहे कि क्या ऐसा रॉड एक ग्रेविटेशन फील्ड देता है, तो हमारी रियल लाइफ में जो रॉड्स हैं उनकी वजह से तो ग्रेविटेशन फील्ड निग्लिजिबल होगा, और नेचर में ऐसा कोई रॉड इतना बड़ा एग्जिस्ट भी नहीं करता जिसकी वजह से हम फील्ड के फॉर्मूले लाएं। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस तरह के डिस्कशन होते हैं, तो राइटर कई बार अपनी क्रिएटिविटी के चलते ग्रेविटेशन में इस तरह के एग्जाम्पल दे देता है। ये बी का आंसर आ जाएगा एक रॉड के लिए।